अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही खस्ता करारे क्रंची हर मौसम में चाय के साथ खाने वाली चना दाल नमकीन की रेसिपी। लेकिन बारिश में इसे आप चाय के साथ खाएंगे तो और ही मज़ा आएगा। उम्मीद है कि हमारी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो चना दाल नमकीन बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 200 ग्राम चना दाल। तो इसे अब हम ढेर सारे पानी में भिगो लेंगे। इसी के साथ हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। इसे हम 5 से 6 घंटे के लिए भीगने के लिए रख देंगे। 5 से 6 घंटे बाद ये अच्छी तरह से भीग चुका है, दाल अपने साइज़ का डबल हो गया है। तो ये देखिए अच्छी तरह से भीग चुका है। अब इसे हम 3 से 4 पानी हाथों से मसल मसल के अच्छी तरह से वाश करेंगे, ताकि जो ये क्लाउडी पानी दिख रहा है वो बिल्कुल ना दिखे, एकदम क्लियर नज़र आए। तो यहाँ पे दाल को हमने अच्छी तरह से वाश कर लिया है। देखिए कितना साफ कितना क्लीन पानी नज़र आ रहा है। तो इसे अब हम स्ट्रेनर में रख के सारा पानी स्ट्रेन कर लेंगे। तो पानी से इसे अलग कर लिया है और स्ट्रेनर में रख दिया है इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने लिया है एक साफ़ कपड़ा, और इस पर हम चना दाल डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से हम फैला देंगे इस तरीके से। इसका जो पानी है हमें सुखाना है। इसे हम पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं, लेकिन इसे हम कपड़ा पलट लेते हैं और इसे अपने हाथों से प्रेस करके अच्छी तरह से ड्राई करेंगे। तो इसके ऊपरी सतह पे जो पानी है वो अच्छी तरह से सूख जाए। तो जब तक ये सूख रहा है तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसाला हमें पहले ही से तैयार करके रख लेना है, ताकि जब हम नमकीन फ्राई करें तो गरम गरम नमकीन पर ही मसाला हम लगा दें, ताकि मसाले अच्छी तरह से नमकीन में लग जाएं। मसालों में हमने लिया है 1/2 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, 1/4 टीस्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून रेगुलर नमक, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। तो इसी के साथ हम ले रहे हैं इसमें 1/4 टीस्पून आइसिंग शुगर यानी पिसी हुई चीनी। तो मसालों को हम मिक्सर में डाल के एक बार चला लेंगे, ताकि मसाले एक साथ मिक्स हो जाएं। तो इसे हमने मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर हमने लिया है कड़ी पत्ता। इसे हम फ्राई करके कड़ी पत्ते को नमकीन में मिक्स करेंगे, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है नमकीन में। तो यहाँ पर हमने एक कढ़ाई लिया है, इसमें हम ऑयल डाल देते हैं और ऑयल को हम गर्म होने देते हैं। तो अब हम दाल चेक कर लेते हैं। तो देखिए दाल अच्छी तरह से सूख चुका है, इसका सारा पानी कॉटन के कपड़े में एब्जॉर्ब हो गया है। ये कितना अच्छा सूखा है, देखिए हाथों में बिल्कुल पानी नज़र नहीं आ रहा है। तो अब इसे हम एक बर्तन में रख लेते हैं कपड़े पर से हटा करके। तो इसे हमने बर्तन में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं इसका सारा पानी एकदम सूख गया है। जब हम हाथों से टच करते हैं तो बिल्कुल हाथ में पानी नहीं लगता है। ऑयल को हमने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब इसमें हम चना दाल डाल देते हैं। तो इसे हम बैचेस में फ्राई करेंगे। अगर एक साथ हम पूरा चना दाल डाल देंगे तो हमको ऑयल ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम इसे बैचेस में फ्राई कर रहे हैं। जब हमने दाल डाला है तो गैस का फ्लेम हाई था, लेकिन अब हमने गैस का फ्लेम मीडियम कर दिया है और मीडियम फ्लेम पर इसे हमें फ्राई करना है। तो ये देखिए दाल अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। तो हमें कैसे पता करना है कि दाल क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार हुई है? तो इसकी साइन यह है कि जब दाल अच्छी तरह से फ्राई हो जाती है तो ये ऑयल पे ऊपर तैरने लगती है। तो इसे हम निकाल लेते हैं। अब तो दाल को हमने निकाल लिया है, इस तरीके से इसे छान लेंगे। तो आप सुन सकते हैं कितना क्रिस्पी कितना क्रंची बनकर तैयार हुआ है। अब इसे हम डाल देंगे डायरेक्ट टिश्यू पेपर पे, ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल टिश्यू पेपर जस्ट कर ले। बचे हुए दाल को भी हम ऑयल में डाल देंगे और इसी तरीके से इसे भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो अब जो हमने एक बैच फ्राई किया है, इसमें हम तुरंत डाल देंगे मसाले, ताकि गर्मा गर्म मसाले इसमें अच्छी तरह से चिपक जाएं। तो दूसरी बैच भी फ्राई करके इसी तरह हम इसमें मिक्स कर देंगे। तो दूसरी बैच भी हमने फ्राई कर लिया है, इसे हम टिश्यू पेपर पर डाल देंगे दोबारा, और इसी ऑयल में हम कड़ी पत्ता डाल करके फ्राई कर लेते हैं। तो चना दाल नमकीन में कड़ी पत्ते का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें हम
मसाला फिर से ऐड कर देते हैं। फ्राई किया हुआ कड़ी पत्ता ऐड कर देते हैं। अगर आप चाहें तो कड़ी पत्ता ऐड करें, नहीं स्किप कर दें। आप अपने पसंद के हिसाब से जो भी मसाले ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें फ्राई करके मूंगफली के दाने भी ऐड कर सकते हैं इस पॉइंट पे, वो भी अच्छा लगता है। मसाले भी आप अपनी पसंद के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, चाहे तो खाली नमक ही इसमें ऐड कर दें अगर मिर्ची पाउडर वगैरह नहीं ऐड करना चाहते हैं तो। तो अब इसे हम टिश्यू पेपर से अलग कर लेंगे। तो टिश्यू पेपर से अलग कर लिया है, कितना ज़्यादा ऑयल इसमें अब्जॉर्ब हुआ है, जज्ब हुआ है। तो यहाँ पर कितना क्रिस्पी, कितना क्रंची, कितना खस्ता हमारा चना दाल नमकीन तैयार हुआ है। इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय।